नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VSM डेयरी फार्म ब्लॉग में। सर्दियां अपने चरम पर हैं और इस दौरान हमें अपने पशुओं का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। पशुओं को ठंडा पानी पिलाने से बचें, आप अपने पशुओं को ताज़ा पानी ऑफर करें, क्योंकि ठंडा पिलाने से दो नुकसान हो सकते हैं। एक तो ठंडा पानी पीने के बाद पशु का बॉडी का टेम्परेचर एकदम से डाउन चला जाएगा, जिसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होएगी। दूसरा, कई बार ठंडा पानी पीने से पशुओं की अकस्मात मृत्यु भी हो जाती है, तो आपने इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि अपने पशुओं को ताज़ा पानी पिलाएं। जहाँ पशुओं को पानी फ्री चॉइस ऑफर रहता है, वहाँ पर आप रात के समय लेट नाइट में उनको पानी ऑफ़र कर दें और उसके बाद उस पानी को गिरा दें, ताकि पशु रात में ठंडा पानी पीने से बच सके। और अर्ली मॉर्निंग जब भी आप फार्म पे आएँ तो उनको फिर से फ्रेश पानी ऑफ़र कर दें, तो जिसको भी प्यास होगी वो जानवर अपना पानी पी लेगा और ठंडा पानी पीने से भी बच जाएगा। दूसरा, ठंडी हवा से अपने पशुओं को बचाएं। सीधी ठंडी हवा पशुओं को ना लगे, इससे भी उनकी बॉडी का टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाता है, तो कोशिश करें पशुओं को सीधी ठंडी हवा से बचाएं। जिन फार्मों में जानवर खुले रहते हैं, वो किसी आड़ के सहारे अपने गोट ठंडी हवा से बचा लेते हैं। आप देखेंगे कि कई बार जो बाउंड्री वॉल होती है उसके आसपास जानवर बैठे हुए रहते हैं, तो वो अपने आप को ठंडी हवा से बचा लेते हैं, लेकिन जो जानवर बंधे हुए हैं उनको आपको ठंडी हवा से बचाना है। इस दौरान आप अपने जानवरों को अच्छा संतुलित आहार दें, ताकि दूध जो है वो मेंटेन रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब सर्दी होंगी तो दूध घट जाता है एनर्जी लॉस बढ़ने के कारण। और एनर्जी के लिए आप अपने पशुओं को बाईपास फैट दे सकते हैं। इस तरीके से आप अपने पशुओं की केयर करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भी आप ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबा सकते हैं। धन्यवाद।